ये एक गाना शुरू करना है और इसमें कितने गाने बनेंगे? दिए जलते हैं फूलों का तारों का सबका कहना है एक मैं और एक तू मेरी जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर चिड़ी रात बात फूलों का तारों का सबका कहना है आज तुम आ गए हो नूर आ गया है। गाने खत्म नहीं हो सकते। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, प्यार। आप अभी इतने इम्प्रॉम्प्ट हो कि चलो अभी तो लाइफ ऐसा चल रहा है कि डिस्टर्ब नहीं कर रहा है एग्जाम पर, पर कभी ऐसा हुआ है कि लाइव शो में कोई ऑडियंस में एक बंदा बैठा हो जो चीजें खराब कर रही हो? अरे वो बता रहा था ना कि जैसे जगजीत सिंह जी जैसे गजल गायक हैं, क्योंकि जो गजल गायक होते हैं ना उनको एक चाहिए होता है ठहराव, उनको एक चाहिए होता है थोड़ा एक रिलैक्स, मतलब उनको कोई तंग करने वाला हो तो उनका खराब हो जाता है काम। तो वो जगजीत सिंह जी एक बार स्टेज पे आए, वो गाना ऐसे शुरू किया उन्होंने, एक बंदा बैठा था, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऑडियंस में जो शो खराब करने आते हैं, उनका काम ही है कि शो खराब करना है। वो सोच के आते कि पिछली बार मैंने ऐसे खराब किया था शराब पी के, पिछली बार मैं लड़की छेड़ दी थी, फिर पुलिस ने मारा था, पिछली बार मुझे पुलिस ने मारा था, मैंने लड़की को आंख मारी, इस पिछली बार मुझे पुलिस ने मारा था कैसे, हाँ मैंने वो स्टेज पे किसी को छेड़ दिया था, हाँ मैंने वो प्रोम खराब कर, मैंने शराब पी के किसी को थप्पड़ मारा। तो ऐसे अलग अलग वो क्रिएटिविटी करते हैं शो खराब करने की। उनके घर वाले भी जाके पूछते हैं, जैसे हमें पूछते हैं शो कैसा रहा, बेटे कैसे खराब हुआ, आज खराब किया कि नहीं, मार कहाँ कहाँ पड़ी। तो जगजीत सिंह जी गाने गाना गए, नीचे से सर जी आ तो गए हैं, कितने आएंगे, शुरू करो, इतने ही आएंगे। होठों से छू लो तुम, सर अपने छूते नहीं, लोगों को छुआएंगे, सर शुरू करो। देखो ये बदतमीज को बाहर निकालो, जब तक ये नहीं जाएगा मैं शो नहीं करूंगा, ऐसे थोड़ी गजल गायक हैं, ऐसे थोड़ी होता है। उधर से किसी ने समझाया, ए ऐसे नहीं करते, जगजीत सिंह जी पता इतने महान कलाकार हैं, चुप करके बैठो, सर इनको अकल नहीं है, आप भजन गाओ। ये बंदा समझदार है, कौन सा मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो वो गा रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, वो झंडू बाम हुई तेरे लिए, मुन्नी बदनाम। एक और आया, ये क्या कर रहे हैं आप, जगजीत सिंह जी ऐसे थोड़ी करते हैं, सर एक बड़क मारो पंजाबी में। ये बड़क क्या होती है, और दुआ। अब जगजीत सिंह जी को ये काम दिया, फिर भी उन्होंने किया बेचारों ने, कहां गजल गाए कहां दुआ, लेकिन उन्होंने क्लासिकल में फिर किया दुआ। दुआ 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 चक दे टोलिया नप दे किली ताली बजाओ। अरे क्यों नहीं गाएंगे, ये कौन सा गाना, तारा रारा, उनको फरमाइश आ जाए, और गड्ढे तेना चढ़ दी गड्डीरे तेना चढ़ दी बोलो तारा रारा, तो वो गड्ढे पे क्यों चढ़ा रहे हो,
इस उम्र में तारा रा रा करा रहे हो, इस उम्र में तारा रा रा करा रहे हो, गड्ढे पे क्यों 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 देखो जी, देखा जाए आज सबका ही एक हाल है। जो भी मैं खास तौर पे जो हमारे इंडिया की जो ऑडियंस है, जो इस वक्त जितने भी जहाँ जहाँ हमें चूरू में तो लोग हमें देख ही रहे हैं जो हमारे, लेकिन और भी जो मैं सबको ये कहूँगा कि सबका यही हाल है। आप ये ना सोचो कि हम दुखी हैं, सारे दुखी हैं, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, इस वक्त माहौल ही ऐसा है। और ये समा बुरा समा भी निकल जाना है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा अगर हौसला रखें, हमारी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए जितने फिल्म स्टार हैं सब घर पे बैठे हैं। कटरीना कैफ यार, इतनी बड़ी स्टार कटरीना कैफ है, कहाँ पे चिकनी चंबेली पौवा चढ़ा के आई। अब चिकनी चंबेली, अब देखो बर्तन चिकने करे घर बैठी, क्या करे, मजबूरी है, क्या करे बंदा, है ना, है ना। अपना अब ये देखो, मैं अपना अगर मुन्नी बदनाम हुई, मलाइका अरोरा कितनी बड़ी स्टार यार, कितना मुन्नी बदनाम हुई, अब वही घर बैठी मुन्ने के लिए लड्डू बना रही ना, अब कहाँ कहाँ जाए, भीड़ में जाने नहीं देते, अब होना ही नहीं, घर पे बैठना सबने, सबका यही हाल है यार। बच्चन साहब से बड़ा कौन है इस वक्त इंडस्ट्री में, कोई नहीं। जो हमेशा बिजी रहते हैं, टाइम के इतने पाबंद है, वो टाइम पे पहुंचना, शूट रोज शूटिंग होती है उनकी, इतने बिजी कहीं जाना, लेकिन अब वो क्या है, घर पे बैठे हुए हैं, मुझे लगता है किचन से बातें कर रहे होंगे, हे किचन आज खुश तो बहुत होगे तुम्हारे, जो इंसान आज तक तुम्हारे कुकर की सीटी तक सुनने नहीं आया, आज यहाँ पे पोछा लगा रहा है, खुश तो बहुत होगे। मैंने एक बार शशि कपूर को यह कहा था, मेरे पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या, उसने कहा मां है, अब बिल्डिंग का गाड़ी का क्या करूं, खुद साफ कर रहा है, पोछे लगा रहा है। अरे मैं ये कभी कभी सोचता हूं कि अभी जो इस वक्त समय चल रहा है, ये लोग घर बैठे बोर हो रहे हैं, इनका मन होता है बाहर निकलें, बाहर निकलें। अरे आप सोच के देखो, पुराने समय, आज तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, मोबाइल है ना, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास फोन है, हम बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है ना। एक समय था जब कुछ भी नहीं होता था, शोले फिल्म जब आई थी, शोले मूवी जब आई थी, तब क्या था, है ना, मुझे लगता है तब अगर कोरोना आ जाता, लॉकडाउन होता ना अगर, तो सबसे ज्यादा मार पड़नी थी रहीम चाचा को, क्योंकि वही घूमते रहते हैं, इतना सन्नाटा क्यों है, पीछे से डंडा पड़ना था चाचा लॉकडाउन जलंधर, और क्या। उस वक्त संजीव कुमार के डायलॉग पता कैसे होने थे, मैं आज तक गब्बर को अपना दुश्मन समझता रहा, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो तो मेरा दोस्त है, उसने मेरे हाथ काट दिए क्योंकि मुझे बार बार धोने ना पड़े। आई लव यू गब्बर। अरे देखो भगवान जो करते हैं समय समय पे, दुख सुख तो चलते रहते हैं, हमें विश्वास रखना चाहिए और सरकार का कहना मानना चाहिए, जो हमें हमारे जो उन्होंने उसूल बनाए हैं, जो जितना कहा है उतना ही करना चाहिए, तभी ये जल्दी हम निकल पाएंगे। अगर अपनी मन मर्जियाँ करेंगे कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, कुछ लोग हैं अभी भी, लेकिन उनको कुछ हो ना हो, लेकिन घर पर आके सबको कर देंगे वो। उनको याद रखना चाहिए कि हम उस दुश्मन से लड़ रहे हैं जो हमें नजर नहीं आता। मैं एक शेर कहना चाहूंगा इस वक्त, आपने गालिब साहब का नाम तो सुना होगा शेखर, सारी दुनिया ने सुना होगा गालिब साहब, गालिब साहब उनके जैसा राइटर नहीं हो सकता जो उन्होंने लिख दिया। तो मैं कुछ लाइनें कहना चाहता हूं
कि हाँ मैं घर पे रहता हूं, हाँ मैं दोस्तों को मिलने नहीं जाता, मैं शर्मिंदा हूं, मैं दोस्तों को मिलने नहीं जाता, मैं शर्मिंदा हूं, आजकल मैं घर पे रहता हूं शायद इसलिए जिंदा हूं। आप सोच रहे होंगे कि गालिब साहब, नहीं नहीं ये लिखा मैंने ही है, वो भूमिका बनाने के लिए उनका नाम ले लिया, थोड़ा सा एक इज्जत हो जाती है ना। अरे अरे थैंक यू जी। मैं जो ऐसे होता है ना, जो शो मेरे ऐसे होते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि दिमाग में ये नहीं होता कि पैसे कब मिलेंगे, पेमेंट कब मिलेगी। फ्री का मुझे बड़ा मजा आता है, सेवा होती है ये, सेवा में जो मजा ना पाजी, पैसे वैसे में मजा नहीं है। पेमेंट लेके शो कर लो, ध्यान तो उधर लगा रहता है, पैसे मिलने हैं, ये करना है, वो करना है। यहाँ पे देखो एक प्यार है, एक प्रेम की वजह से हम बैठे हैं, और ये ऑडियंस, ये चूरू की जो ऑडियंस है जो हमें देख रही है, वो प्यार करते हैं यार हमको, नहीं तो उनके पास टाइम थोड़ी है आज लॉकडाउन में, क्या पता उन्होंने सोना हो, क्या पता उन्होंने लेटना हो। यहाँ पैसे पैसे लेके जितना मजा नहीं आता मुझे, जितना यहाँ पे मजा आ रहा है, क्योंकि एक सेवा है, एक मन में ये है कि मैं खुश कर रहा हूँ जो घर पे बैठे हैं। लेकिन एक बात मैं चूरू की ऑडियंस जितनी भी इस वक्त हमको देख रही है उनसे मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि देखिए तेजस्विनी जी आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए ऐसे आर्टिस्टों को बुलाती हैं उनको आपके लिए कि आप घर पे बैठे आपका मनोरंजन हो, तो उसके बाद भी अगर आप बाहर जाएंगे या उनका कहना नहीं मानेंगे पुलिस का, या वहाँ पे नहीं डिसिप्लिन में रहेंगे, तो फिर ये चीज़ बहुत गलत होगी। अगर आप उनका कहना मानेंगे, घर पे बैठेंगे, तो इसी तरह अच्छे से अच्छे प्रोग्राम भी लाते रहेंगे वो, और कलाकार भी आते रहेंगे, क्योंकि उनको actually, कोई मना नहीं कर सकता। actually, और ये बताना चाहूंगा जी, देख रही है कि